वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह आपके साथ फिर उसी पुरानी चर्चा पर, ओला उबेर। आज बहुत से साथियों का ये कॉल आ रहा है कि ओला उबेर ने हमारा काम ख़त्म कर दिया है या बर्बाद कर दिया है, कमीशन 40% से ज़्यादा ले रही है। इन सभी बातों पर मैं आपसे जो है मापदंड है जो क्या है, कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या ओला उबेर को मात दे पाएंगे, मैं उस बारे में आपसे चर्चा करने हैं। और कोशिश करिए कि आप सभी लोग पूरी वीडियो देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच जाए। आज कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो टैक्सी चलाता हो और जो ओला उबेर में अटैच हो वो सुखी हो। सभी चिंतित हैं, सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं और तो और सभी बेरोजगार हैं। मैं आज सोच रहा था, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बताया गया कि हमें कैसे उलझाया जाता है। सर्वप्रथम आप लोग कर्जे में उलझ गए, आपके पास कर्जा लेकर किस्तों को देखकर आप लोग व्याकुल हैं, परिचिंतित हैं कि क्या किया जाए, किससे कैसे निकलेंगे। मानसिक तौर पे आपको अपाहिज कर दिया गया है। आज आप मानसिक तौर पे ठीक नहीं है क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया गया कि ड्यूटी आएगी, कितने की आएगी, कहाँ जाएगी, कम रेट की होगी, ज्यादा रेट की होगी, कैसे होगी, क्या होगा, उसी पर हम लगे रहते हैं। आपस में लड़ाई, ये बातें जरा गौर से सुनना, समझ में आपके आएगी। आपस में लड़ाई कैसे, ये ऑल इंडिया वाला है, ये लोकल वाला है, ये काली पीली वाला है, ये उबर वाला है, ये ओला वाला है, इस तरह से लड़ाइयां करा दी। दोस्तों, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, परिवहन पंचायत ने एक आपको नीति दी थी। इस बात को समझने के लिए जिन लोगों ने महात्मा गांधी को देखा है और उनका जीवन पढ़ा है वो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। आज चाहे वो आपकी निगाह में कुछ भी हो, लेकिन आज भी 2 अक्टूबर को इस राष्ट्र में उनकी जयंती मनाई जाती है। अवकाश रहता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर नेता उनको श्रद्धा सुमन भेंट करता है और तो और करेंसी पर उनकी फोटो भी है। बहुत से दीवाने थे लड़ाई में, आज़ादी में, लेकिन कुछ घटनाएं होती हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। मेरा मकसद गांधी जी का शब्द इस्तेमाल करने का आपको समझाना है। पेशे थे वो बैरिस्टर थे, वकील थे। जिन लोगों ने उनकी सूटेड बूटेड फोटो देखी है वो परिचित होंगे इस बारे में कि बैरिस्टर की उपाधि उनके पास थी। नेहरू भी बैरिस्टर थे, दोनों के तालमेल में जमीन आसमान का फर्क था। महात्मा गांधी, ईस्ट इंडिया कंपनी, दो चीज, जैसे आज के टाइम में कॉरपोरेट्स हैं, ओला उबेर या और इस तरह की और बड़ी कंपनी की होगी या रही होगी या आने वाली होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने शरीर के वस्त्र उतार दिए थे और चरखा काटना शुरू कर दिया। मैंने एक वीडियो देखी थी, उससे मुझे ये ज्ञान मिला या समझ मिली। वो कहते चरखा गांधी जी क्यों काटते थे, बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं ये चरखा इसलिए काट रहा हूं कि इसके बने हुए वस्त्र पहनूंगा तभी मैं अपना तन ढकूंगा। इसी का नाम खादी ग्राम उद्योग है। इस चीज से आप लोग शिक्षा लें तो आपको जानकारी होगी कि जो अंग्रेज साम्राज्य था उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आकर राज करके गई थी, उनके पैर उखड़ गए, जगह जगह स्वदेशी का बोलबाला हो गया और विदेशी कपड़ों के होली जलने लगी। आप कहोगे गांधी जी बीच में कहां से आ गए, कपड़े कहां से आ गए, चरखा कहां से आ गया, तो दोस्तों स्वदेशी की बात उन्होंने की थी। आज हमारे पास, सभी के पास काम नहीं है। हमने क्या किया था परिवहन पंचायत में, वो बताने जा रहा हूं। बहुत से लोग उस बात को सुनते हैं लेकिन उस बात को
अटपटा सा मानकर छोड़ देते हैं। यह तय है कि जब आपके पास ताकत रहेगी तभी आप बीमारियों से लड़ पाएंगे। अगर आपके शरीर में ताकत नहीं है तो आप बीमारी से नहीं लड़ पाओगे। आपके पास किसी स्टेट के पास फौज है तभी लड़ पाएंगे। इसी प्रकार हमारे पास अगर इनकम है तभी हम अपनी गाड़ी चला पाएंगे। मेरा बड़ा सोचा समझा एक प्रोग्राम था कि हमारे इस भारतवर्ष में हमारे देश की राजधानी एनसीआर के अंदर तकरीबन सभी लोग ओला उबेर से चिंतित और दुखी हैं। सभी लोग आज भी आप त्राही त्राही कर रहे हैं, रोज फोन मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं कि भाई साहब काम नहीं है क्या किया जाए। हमने उसी को सोचते हुए परिवहन पंचायत का हिंद कैब का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था और हमने कहा था कि आप लोग सभी आ जाएं, हम लोग आपकी गाड़ियां भी फ्री कर देंगे। ये बात सुनी होगी आप लोगों ने, इसके बारे में आलोचना भी बहुत सुनी गई है, बहुत हमारी वीडियो चली गई कि सर ने ये बात कही है, लेकिन उसका पहलू नहीं समझा आपने, वो बात नहीं पकड़ी हम कहना क्या चाह रहे थे। आज सभी लोग दुखी हैं, चाहे रिगो आ गई, चाहे सीओ कैब आ गई, चाहे फाइव स्टार आ गई, चाहे नमो टैक्सी आ गई, चाहे भीम आ गया, चाहे लक्ष्मण आ गया, चाहे ए आ गया, चाहे बी आ गया, बहुत सी कंपनियां आ चुकी और आने वाली हैं पाइपलाइन में। समाधान मिला कहीं आपको? नहीं मिला। मैं बताने जा रहा हूं हम क्या करने जा रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको बोला था टैक्सी स्टैंड, ये शब्द आपके सुन सुन के आपके इस दिमाग के ऊपर से चले गए, आप लोगों ने समझ नहीं पाया। गांधी जी के स्वदेशी को आप देख लें, उन्होंने बोला कि मैं अपने चरखे से जो सूता हुआ सूत होगा उसका कपड़ा बनाऊंगा फिर पहनूंगा। तो हमारा ये नारा था कि हम लोग पहले अपना स्टैंड बिल्ड अप करेंगे और वहां से ड्यूटी जनरेट करेंगे, ये बात कही थी। अब मेरा एक कंसेप्ट था 500 रुपए वाला, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता। हमने कहा था 500 रुपए की सदस्यता लेके हेल्पलाइन ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस हेल्पलाइन में कोई मदद वदद नहीं होती कि आज कोई आदमी कहते मेरे घर में राशन नहीं तो दे दीजिए। ये हेल्पलाइन आपको डेवलप करने के लिए, आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए होती। हमने कहा कि एक मेरा भाई करनाल बाईपास पर खड़ा हो गया गाड़ी लेकर। वो एक दिन खड़ा हुआ, दो दिन खड़ा हुआ, तीन दिन खड़ा हुआ, चार दिन खड़ा हुआ, महीना खड़ा हुआ, लेकिन उसके पास 100 रुपए भी नहीं आया। या इसको ले ले अलकनंदा चला गया, या आप कालका जी कोई भी एक टैक्सी स्टैंड महिपालपुर मान लेते हैं, द्वारका मान लेते हैं कि वहां गाड़ी खड़ी करी और उसके पास एक महीना ड्यूटी नहीं आई, वो टूट जाएगा। अगर पहले आप देखते थे ना कि जब युद्ध होते थे तो किले के बाहर घेराबंदी कर ली जाती थी और घेराबंदी करके अंदर उनको कोई अटैक नहीं करता था, लेकिन अंदर का राशन एक दिन खत्म होता है तो उनको बाहर आना पड़ता है और वो हार जाते थे। तो अपना ये कहना है कि जब ये चीज चलती है तो इस चीज का मतलब क्या है कि लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास अस्त्र शस्त्र सब होना चाहिए। हमारा अस्त्र शस्त्र है, पहला अस्त्र हमारा है टैक्सी स्टैंड, बैकअप के लिए हमारे पास है हेल्पलाइन ग्रुप। आज मेरे मित्रों अगर 235 टैक्सी स्टैंड दिल्ली में लागू आ जाएं, 4700 आदमी इकट्ठे होते हैं, 4700 आदमी इकट्ठे होते पहले आदमी की गाड़ी फ्री होती है, 6 लाख रुपए उस पर चला जाता है। ये कंसेप्ट को समझिएगा, 500 रुपए दिए, सब लोग साथ आ गए और उस पैसे से आपके एक भाई की गाड़ी फ्री हो गई 6 लाख रुपए में। अगला भाई जो है उसको हमने रिपीट कर दिया, दूसरे की फ्री हो गई। पहले में 1 साल लगा, 1.5 साल लगा, दूसरे में 1 महीना लगना चाहिए क्योंकि सभी को पता है ये कंसेप्ट चल रहा है। तो तुरंत दूसरे की गाड़ी फ्री हो गई। इसी प्रकार जब 2 गाड़ियां फ्री हो जाएंगी तो जो हमारा 1 महीने में 4000 लोग जुड़ते थे वो 15 दिन में जुड़ेंगे, फिर 1 हफ्ते में जुड़ेंगे और फिर 1 दिन में जुड़ेंगे। आप देखिए कि कितने लोगों को पैसा जाना शुरू होगा, कितने लोगों की गाड़ियां फ्री हो गई। आपके पास हर आदमी के पास 20-30 हजार रुपया हर महीना एक परिवहन पंचायत से बैकअप आना शुरू हो जाएगा, तो क्या आप सुरक्षित नहीं रहेंगे? आपकी अपनी ड्यूटी, आपके स्टैंड से परिवहन पंचायत का हिंद कैब आपको ऐप भी देने वाला है जिसमें कोई जीएसटी नहीं है। जब जीएसटी नहीं रहेगी तो आपका रेशो उससे कम हो गया। आप दिन में पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं और वही आप 2 ट्रिप या 1 ट्रिप लगाएं और आपका
1500 रुपया जेब में आ जाए बचत का, क्या बुरा मेरे भाइयों? हम लोग कहें कि एक दिन के अंदर हम एक पेड़ नीम का लगाएं, वो एक दिन में बड़ा हो जाए और छाया दे दे, तो संभव नहीं है ना। समय लगता है पेड़ को बड़ा होने के लिए। एक फल का पेड़ लगाते हैं उसको भी टाइम लगता है। हमने हर बार कहा है कि आम का जो पेड़ लगता है उसका 4 साल में फल आता है, 3 साल में फल आता है। ये बात हमने पहले दिन से बोली है। सोचना आप लोग सुने हैं कि किस प्रकार ओला और उबेर को मात दे सकते हैं। जो भी भाई ओला उबेर को मात देना चाहता है ना, वो लोग परिवहन पंचायत से जुड़ सकता है। उसको आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जिससे कि हम ओला उबेर जैसी कंपनियों को यहां से आउट कर दें। कमीशन कैसे ले लेगा हमारे से जब हम देंगे नहीं वहां पर? टैक्सी स्टैंड होने से सवारी दिल्ली की जो है आप कॉलोनी से लेते हो, कोई ना कोई कॉलोनी में आप जाते हो सवारी पिक करने, ये बात तो सबको पता है। जब हमारा हिंद कैब का ऐप सभी के पास होगा और आपका स्टैंड उस कॉलोनी में 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, आधे किलोमीटर की दूरी पे होगा, 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा, तो सबसे पहले गाड़ी किसकी पहुंचेगी? आपकी पहुंचेगी। अब आप एक जगह पालम से जाकर आप पहुंच गए बुराड़ी, अब बुराड़ी भी टैक्सी स्टैंड है, अब बुराड़ी वाले पहुंच गए एयरपोर्ट, तो जब आप बुराड़ी का स्टैंड खाली तो वहां आपकी गाड़ी पहुंच गई, तो ड्यूटी वहां पर भी तो अवेलेबल है ना, वो ड्यूटी लेकर आप वापस अपने डेस्टिनेशन पे आ सकते हो। बैकअप के लिए हेल्पलाइन ग्रुप है, जो पैसा आपसे लेते हैं 500 रुपया वो आपको 6 महीने में वापस कर देते हैं। कभी एक आध दिन ऊपर हो जाता है, हमारी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। और किसी भी संगठन के लिए ये फीस भी हो सकती थी। बहुत से मित्र कहते हैं आप फीस ले लो, मगर नहीं, इसको सर्कुलेट करने से हमारे पास 5,000 रुपये पेंशन भी आती है। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी बैंक, कौन सी ऐसी संस्था, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको प्रतिमाह 5,000 रुपये पेंशन दे दे। हमारे यहाँ परिवहन पंचायत में जहां आपको रोजगार दिया वहीं पर आपको पेंशन भी दे रही है। ओला उबेर की सबसे ज्यादा बात होती है। और ओला उबेर में एक बात बताऊं दोस्तों, जितने लोग टैक्सी का काम और कर रहे थे उनको ही बर्बाद कर दिया, चाहे वो काली पीली है या टूरिस्ट वाले। आज कई मेरे भाई चंडीगढ़ जा रहे हैं बला बला कैब से, फलानी कैब से, धिमकी कैब से, कितने में? 2,000 रुपये में। उधर से आ रहे हैं 2,000 रुपये में। वहां के टूरिस्ट भी खत्म कर दिए, दिल्ली के भी खत्म कर दिए। फायदा किसको कराया? थर्ड पार्टी को। ना आपको फायदा हुआ, ना आपके साथी को फायदा हुआ, फायदा कस्टमर को हुआ। मेरे मित्रों, थोड़ा जागने का टाइम है ये। अगर आप जाग जाएं तो आप समझ जाएंगे परिवहन पंचायत आपके साथ सदैव है, सदैव था, सदैव रहेगा। प्रयास आप लोगों ने करने, आप जैसे प्रयास कर पाएंगे वैसे ही सफलता आपको मिल पाएगी। टैक्सी स्टैंड पर जाइए, हेल्पलाइन में जुड़ के अपनी गाड़ी फ्री कीजिए, नई पॉलिसी के लिए प्रयास कीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि ओला उबेर के लगाम लगे, वो 22 फरवरी को जंतर मंतर जरूर पहुंचे। आप में थोड़ी सी कमी है, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, वीडियो पूरा देखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कार्यालय में आइए, चर्चा कीजिए। जब तक आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे मेरे मित्रों, ये समाधान नहीं हो पाएगा। आज मैंने आपको बताया कि आपके अपने जुड़ने से कितनी गाड़ियां हो जाएंगी। हमारे कई मित्र कहते हैं कि ये तो एक सिस्टम, ये सिस्टम बैकअप का है। आपके पास बैकअप आ गया, आपने जो पैसा दिया आपको वापस मिलके और आपकी गाड़ी फ्री हो जाए तो क्या बड़ी बात है। 4 लाख गाड़ियां दिल्ली के अंदर हैं, हम लोग 4,000 लोग ऐसे रिपीट करते रहे, आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपको ताकत मिलेगी स्टैंड पे खड़े होने की, आपको रोजगार के साधन मिलेंगे, आपकी अपनी आय 30,000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी बिना कुछ करे, तो नुकसान बताएं कहां है दोस्तों। ओला उबेर को आप लोग मारना नहीं चाहते, अगर मारे तो स्वदेशी अपनाएं, आप स्वदेशी परिवहन पंचायत के साथ जुड़ें और आप महसूस करेंगे कि या तो आप अपनी कर लें, जब अपनी नहीं समझ में आती तो जो कह रहा उसकी सुन ली जाए, कितना फर्क पड़ता है। मात्र 4,000 लोग करने थे हमें, पेंशन आपको मिल रही, पैसा आपको वापस मिला, रोजगार आपको मिला, बैकअप आपको मिला, गाड़ी आपकी फ्री हो रही है, उसके बाद भी सोचना, इसके बाद तो कोई शब्द रह नहीं जाता। अगर वाकई में आप चिंतित हैं और आपको लगता है कि ओला उबेर से मुक्ति चाहते हैं, तो 22 फरवरी को जंतर मंतर पहुंचे। वह परिवहन पंचायत के जो लोग सदस्य नहीं बने, बनिए, आपके चलान अभी तक स्पीड के माफ कराए हैं, रेट 100 रुपया कराया फाइन का, नोटिस का जो नोटिस होता है, और भी कैरियर के भी चलान चले, कैरियर अलाउ नहीं है लेकिन चल रहा था, आगे भी चलेगा, जिसके पास आपका कार्ड है उसका चलान होता है, मुझे तुरंत फोन करें।
दोस्तों आप अपनी ताकत के लिए प्रयास करें। ओला उबेर से अगर टक्कर लेनी है तो उसके बराबर आपको खड़ा होना पड़ेगा। आज हमारे पास गाड़ियां 2000 हैं हिंद कैब के पास, और हम कहें कि 4 लाख गाड़ियों का मुकाबला कर लेंगे, हंसी वाली बात आती है। अगर आप चाहते हैं कि ये फैसला होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो परिवहन पंचायत आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। हां, ये छाप में हो सकती है कि आप उसके अध्यक्ष बने, बन जाए, आप उसके पदाधिकारी बने, बन जाए, कौन मना करता है, लेकिन ये कार्य करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि ठीक है, आप लोग अवश्य जुड़े। नंबर में दे रखा है नाम के पीछे मेरे, इस पर आप पेटीएम कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप से आपको जानकारी ले सकते हैं। ऑफिस का नंबर ले लीजिए 0114167449। कोशिश करते हैं कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, और सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, फेसबुक पेज हमारा वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको ज्वाइन करें, आरपीपी ग्रुप ज्वाइन करें। इन्हीं बातों के साथ विदा, फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।